अभी अभी हमारे देश के एक मूर्धन्य नेता, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के निधन का समाचार मिला। उनके निधन के समाचार से ऐसा लगा जैसे अपने घर का कोई बुजुर्ग सयाना आदमी चला गया है। प्रणब दा को मैं विशेष करके जब मैं राज्यसभा में गया तब से जानता हूँ, उनसे अनेक बार भेंट हुई है और सदन के अंदर मैंने देखा है जो आज के पिछले कुछ वर्षों में जो श्रेष्ठ ऐसे विधिवेत्ता, ऐसे पार्लियामेंटेरियन और उस सबके ऊपर ऐसे गंभीर और विद्वतापूर्ण स्वभाव, विद्वतापूर्ण वक्तव्य बहुत कम सुनने को मिले हैं। प्रणव जी को मैंने उत्तराखंड में पिछले 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जब एक विधानसभा में संकट आया, कांग्रेस ने अपना बहुमत खोया, मैं उन्हें उस समय उनसे मिलने गया। मैंने जब उनसे कहा ये परिस्थिति है और उनको मैंने उनकी मनस्थिति, जब 1985 में वो भी कष्ट में थे पार्टी के अंदर, तो उन्होंने तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने में कोई भी देर नहीं की। ऐसे व्यक्ति को जो किसी को इतने सम्मान देता हो, जनता के बातों को ध्यान देता हो और इतना गांभीर्यपूर्ण उनका जीवन था और इतना व्यक्तित्व था कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने से हमने एक देश का बहुत बड़ा रत्न खो दिया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे भविष्य के जो राजनेता हैं उनके लिए प्रणब दा से, मुखर्जी साहब से सीखने के लिए बहुत कुछ है और उनको अच्छी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनसे किस प्रकार से अध्ययन, चिंतन, मनन, बिल्कुल राजनीति के में लगातार रहते हुए भी इतना गहन चिंतन, चाहे आर्थिक मामले हों, चाहे विदेश के मामले हों, चाहे रक्षा के मामले, किसी भी विषय पर इतना अध्ययन, इतना मनन और फिर जनता से भी सतत संपर्क, ये सब चीज़ें आदरणीय प्रणब दा से सीखने की है। उनके जाने से देश को बहुत क्षति हुई है और मुझे व्यक्तिगत रूप से कष्ट है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं उनके परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।